अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं असलम मुगल और आज जो हम आपके सामने प्रोग्राम पेश कर रहे हैं उसके बारे में मैं आपको बताता चला जाऊं। वो ये है कि बहुत से फनकार स्टेज पर आते हैं, परिंदों की तरह अपनी अपनी बोलियां बोलते हैं और चले जाते हैं। दुनिया भी एक ऐसा स्टेज है जहां पे लोग अपना फ़न पेश करते हैं और फिर चले जाते हैं, यहाँ से रुख्सत हो जाते हैं। आज हम जिस फनकार को आपके सामने पेश कर रहे हैं, यानी कि कैमरे के सामने पेश कर रहे हैं, वो भी मुख्तलिफ किस्म की बोलियाँ आपको सुनाएंगे। एक होती मंडी में बोलियाँ बोली जाती हैं, मंडी के भाव बोले जाते हैं, ये कुछ अजीबोगरीब किस्म की बोलियाँ आपके सामने बोलेंगे। अभी तशरीफ़ लाते हैं आप की तालियों की गूंज में, नहीं कैमरे तो ताली बजाते नहीं, लेकिन चले अभी आपके सामने आते हैं जनाब मोहम्मद आरिफ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम पाजी, की गल है? तुसी जाओ उधर जा गनेरिया बेचो, तुसी किधर आ गए हैं? आरफ वाले दे खरबूजे मैं सुने सन, मैं आरफ वाले दे इहो जी चीजा नहीं मैं पहले दे। अच्छा आरफ आपका नाम है जी? मेरा नाम है। अच्छा जिसको मैंने बुलाया अभी जी अपने? ओहो ओहो, अच्छा अच्छा, बड़ी मेहरबानी है जी, मुझे लगता है मैं ईद मिल रहा हूँ आपसे। अच्छा जनाब ये बताएं जी कि आप, सुना है कि बड़े पहुँचे हुए फनकार हैं जी? बड़ी मुश्किल से यहाँ पहुँचा हूँ जी। क्या मतलब एक टांग पे आए? क्या आप ये बताएं कि सुना है कि बड़ी बोलियाँ शोलियाँ सुना लेते जी? जी मुख्तलिफ आवाज़ों के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ। अच्छा आप जो भी आवाज़ सुनना चाहें मैं सुना लीजिए, तैयार हूँ। क्या मतलब सुना सकते हैं? खबरें सुना सकते हैं आप? खबरें तो जो खबरनामा या खबरें सुनाने वाला है वही सुना सकते हैं। जरा सा आप आवाज़ें सुनाने के लिए आया हूँ, आप मुझसे आवाज़ नहीं, आप जरा सा ऊँचा बोलें। क्या मसला? कोई डेंगी शेंगी का मसला तो नहीं? अच्छा अच्छा चले फिर आप कोई सुनाएं पहले मुझे, आप ऐसा करें किसी परिंदे की आवाज़ सुना। हाँ मैं जी आपको मुर्गियों यानी कि मुर्गी की फैमिली, अच्छा मुर्गी की फैमिली आपको भी सुना देता हूँ जी। मुर्गी और फैमिली का जब जिक्र किया तो फिर चूजे भी होने चाहिए। अच्छा जी और मुर्गा रह गया। वाह जी वाह, माशाल्लाह ये है कि आप फैमिली समेत आए हुए। अच्छा अच्छा जी अच्छा। और जब शाम को मालिक मुर्गियां और ये अपने डरबे में बंद करते हैं तो अच्छा, डरबे में बंद करते हैं जी जिन्हें हमसाए दी मुर्गियां ने तुम पढ़ते रहे जी, जी। अच्छा अच्छा, इसके अलावा सुने आपको गाड़ियों की आवाज भी निकाल लेते जी जी, फॉक्सी की अगर आवाज निकाल लेते हाँ जी। अच्छा मुझे किसी ने बताया व्हील कब निकाल लेते हैं आप? अच्छा काम नहीं है जी। अच्छा जी जी निकाल लेते। तो मैं वो फॉक्सी स्टार्ट हुई और उसका हॉर्न। अच्छा सड़क ठंडी है, फॉक्सी है पुरानी गड्डी। अच्छा अच्छा अब जब इसकी तार उतर जाए तो अच्छा अच्छा हॉर्न की नॉर्मल है, अब तार उतर मैं चढ़ाई आ गई। बहुत अच्छे माशाल्लाह जी। अच्छा और क्या सुना सकते हैं? अब मैं वैसे तो बच्चे नहीं वैसे मैं शुगर बना और पचपना एक ही बराबर बचा हुआ वैसे मैं सुना तो बच्चे की आवाज़ सुनाता हूँ कि बेड पे पड़ा है जब वो जागता है तो कैसे रोता है और जब उसे भूख लगती है तो कैसे रोता है। अच्छा वाह जी वाह वाह, आप आइंदा बच्चे को अपना अपनी शक्ल ही दिखानी। अच्छा अच्छा, इसके अलावा आप कोई और भी कोई आवाज़ है जी? जी नहीं आपकी अपनी कोई आवाज़ बताएं, ये तो फिर भी कैसे हैं? ठीक ठाक हैं, खैर खैरियत है। अच्छा चांदनी चांद से होती है, सितारों से नहीं जी। चांदनी चांद से होती है, सितारों से नहीं। खांसी बहु बहु मूंगफली से होती है,
बहुत अच्छा जी, हाँ जी मुझे अच्छा अच्छा जी ठीक है, बहुत अच्छा बहुत अच्छे बहुत अच्छे। हाँ जी आप मतलब के इसके अलावा वो घोड़े टांगे की भी सुना था ना जी? मैं वो रेलगाड़ी की सुना, रेलगाड़ी सुना, रेलगाड़ी लेट आती है, पुरानी रेलगाड़ी है। अच्छा बिजली वाली आप सभी पुरानी इंजन? अच्छा चलो सुना। वाह जी वाह वाह, गुजराला आ गए। अच्छा आरफ साहब आप ये बताएं कि एक और आवाज आप बड़ी अच्छी खूबसूरत, ये रिक्शे की आवाज? रिक्शे की? हाँ अच्छा, वो तो ये सीएनजी रिक्शा है। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक लग रहे जी, सुनाए जी। ये स्टार्ट हो रहा है जी, बिल्कुल पैर थले लाता आ गई किसी चलो कोई नहीं जी, इन शर्म नहीं आई पता नहीं। अच्छा जी बहुत अच्छा जी, बहुत शुक्रिया आपका, आपने बड़े खूबसूरत आज हमें आवाज़ें सुनाई हैं, बहुत शुक्रिया जी। आओ जी गले मिले जी, आप बहुत अच्छी आवाज़ें थी, आइंदा नहीं सुनाई।